नमस्कार आदाब, मैं हूं फरहान और एसपीएन 9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। निर्भया कांड पूरे देश को हिला दिया था, झिझकोर कर रख दिया था। एक लंबा समय हो चुका है, अब कहीं जाकर फांसी की तारीख मुकर्रर की गई है और फांसी प्राप्त कर जाएंगे वह सभी आरोपी जो इस केस में शामिल थे, मिले हुए थे। हम आपको बता दें कि फांसी की सजा को लेकर लगातार चाहे समाज सेवी हों, वरिष्ठ वकील हों, ऐसे तमाम लोग हैं जो कहते रहे हैं कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए किसी भी अपराध के लिए। यहीं पर इसी दौरान निर्भया की माँ जो कि आशा देवी जिनका नाम है, उनसे भी वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने एक बात कही और उस बात को लेकर निर्भया की माँ काफ़ी भड़क गई। और उनका भड़कना जायज़ है या जायज़ नहीं है, इसका फैसला आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। हम बात कर रहे हैं इंदिरा जयसिंह की, वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा निर्भया की माँ से, क्या आप उन दोषियों को माफ़ कर सकती हैं? क्या उनकी फांसी की सज़ा जो उन्हें मिलने वाली है उसे माफ़ कर सकती हैं आप? जिस तरह इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी के हत्यारों को माफ़ करने की बात कही थी, नलिनी नाम था, उनको माफ़ करने की बात कही थी, क्या आप भी वह कदम उठाएंगी? क्या आप भी फांसी की सज़ा के खिलाफ होना चाहेंगी? यह शब्द कहे थे इंदिरा जयसिंह ने। शब्द गलत नहीं है, लेकिन यहाँ निर्भया की माँ काफ़ी भड़क गई। उनका भड़कना जायज़ है या नहीं, ये आप बताने वाले हैं हमें कमेंट सेक्शन पर। उन्होंने कहा इंदिरा जयसिंह जैसे लोगों की वजह से ही जो बलात्कार के आरोपियों का पक्ष रख रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं, इसीलिए हिंदुस्तान से बलात्कार की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं हिंदुस्तान में और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। यह निर्भया की माँ का कहना है। एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं भारत में, उसका एक कारण भी पेश कर दिया है। उन्होंने कारण यह पेश किया है कि इस तरह के वकील एक बलात्कारियों की हिमायत करते हैं। यहाँ पर हम बात को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहेंगे, इंदिरा जयसिंह के दिल में क्या था, उन्होंने किस वजह से यह बात कही थी, यह तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम यह अवश्य कहेंगे कि दुनिया भर में तमाम ऐसे समाज सेवी हैं, ऐसे तमाम संगठन हैं जिसमें वरिष्ठ वकील भी आते हैं, पूर्व जज भी आते हैं, तमाम ऐसे लोग आते हैं जो फांसी की सज़ा के खिलाफ हैं। वह चाहते हैं कि मौत की सज़ा न दी जाए देश के अंदर। तो हम इस पर इंदिरा जयसिंह को यह नहीं कह सकते कि उन्होंने किस पर मकसद से कहा था, क्या वे बलात्कारियों के पक्ष में हैं। निर्भया की माँ गुस्से में है, उन्होंने कहा कि सारा देश फांसी की मांग कर रहा है, तब आप ऐसी बात क्यों कर सकते हैं, वकील से इस तरह की बात कही, सारे देश में आक्रोश है। लेकिन यह महज जो बात की गई थी नैतिकता के आधार पर की गई थी। जिस तरह विश्व भर में, हम देश की नहीं कह रहे, पूरे विश्व भर में ऐसे कई लोग हैं जो फांसी की सज़ा का विरोध करते हैं, तो यहाँ पर यह बात रख दी गई। क्या यहाँ निर्भया की माँ का भड़कना जायज़ है? क्या उन्हें भड़कना चाहिए था वकील पर या नहीं भड़कना चाहिए था? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए ज़्यादा चाहूँगा, नमस्कार।